नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया निवासी गिरीश चौहान पुत्र शिवचंद चौहान के अनुसार उनका पुत्र 14 वर्षीय अरुण चौहान, जिसका मानसिक संतुलन सामान्य नहीं है, वह कई बार घर से गायब हो चुका है, लेकिन काफी खोजबीन के बाद जानकारी करने पर वह बरामद भी हो गया है, अपने आप वापस आ गया है, लेकिन इस बार 23 जून से लापता चल रहा है। तभी से उसके परिजन और उसकी खोजबीन करने में लगे हैं। जगह जगह उसको खोजा गया है लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है। इससे पहले 22 अक्टूबर पिछले वर्ष भी वह लापता हो गया था, काफी दिन बाद बरामद हो गया था, लेकिन इस बार और ज्यादा परेशान करने वाली खबर यह है कि उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसको अर्धनग्न कर ट्रेन में युवकों के द्वारा बेल्ट से पीटा जा रहा है। पिटाई का वीडियो देख घर वाले सन्न रह गए। वहीं एक एडवोकेट मनीष कुमार ने पुलिस से ट्विटर पर इसकी शिकायत भी की है। वो ट्रेन में पिटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि मुबारकपुर का, जिसने आदमी के बारे में ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक बच्चे के साथ मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये बच्चा कहीं पे मुबारकपुर से कहीं चला गया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 328/23 धारा 363 का पंजीकृत है। पुलिस की टीम गठित कर बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इस बच्चे को बरामद किया जाएगा और उसके बयानों के आधार पर जो लोग इसके साथ मारपीट किए हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो मारपीट कर रहे हैं सर ऐसे बच्चे के ऊपर, तो किस प्रकार का कार्रवाई की जाती है? हम लोग उनके विरुद्ध भी इसमें जो धारा है इसमें तरमीम करेंगे और उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।